अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बहुत सारे टॉपिक्स के साथ आए हैं, बहुत सारे चीज़ें एक साथ लेकर आए। बहुत सारे लोग हमें सवाल कर रहे थे कि हम अपने डॉग्स को, पेट्स को घर पे बांध के रखते हैं। कुछ लोग अग्रेसिव करना चाहते हैं, कुछ लोग डॉग्स को पोलाइट करना चाहते हैं। लोगों की अपनी अपनी सबकी चॉइस है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड के एतबार से, लिहाज से अपने डॉग को चाहते हैं कि वो अग्रेसिव हो जाए, कुछ चाहते हैं कि जी हमारा डॉग बहुत पोलाइट हो जाए। और बहुत सारे लोगों ने हमें पिक्चर्स भेजी कि उनके डॉग बहुत अग्रेसिव है। तो ये अगर आपने पेट बहुत बचपन से रखा है या नया लिया है, रिसेंट लिया है, तो डिपेंड करता है कि आपने ब्रीड क्या लिया, उसका टेम्परामेंट क्या है, प्योर ब्रीड है, मिक्स ब्रीड है। देखिए, ये सब जेनेटिक्स बात है डॉग के। जेनेटिक्स के साथ साथ उसकी तरबियत पर भी डिपेंड करता है कि उसकी ब्रॉटअप, उसकी तरबियत आपने कैसी की है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे पपीज लेकर आते हैं, बिल्कुल रॉटवाइलर का पपी है, उस पपी को सारी ज़िंदगी नहीं बांधते हैं और बहुत अच्छे सारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो वो जो रॉटवाइलर है उसका टेम्परामेंट भी उस फैमिली के साथ हो जाएगा, बहुत लवली हो जाएगा, काटेगा नहीं, भौंकेगा नहीं। बहुत सारे लोग टॉय ब्रीड्स रखते हैं, टॉय ब्रीड्स को बचपन से बांधना स्टार्ट करते हैं, बांधते सोशल नहीं करते, तो वो छोटे से वो टॉय ब्रीड भी इतने जालिम हो जाते हैं, इतने खून खार होते हैं कि हर बंदे को काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आप लोग की ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है कि आप हाउ यू ट्रेन योर डॉग। तो ट्रेनिंग इज एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट कि आप अपने डॉग को कैसे ट्रेन किया है। हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर एंथनी यूनिवर्सा, उनके पास ऑलमोस्ट 12 ईयर्स की लैब्राडोर फीमेल है। आप जितने भी रश में, जितनी भी ट्रैफिक में उसको खुला लेके चले जाएंगे, मजाल है वो टस से मस हो जाए या नहीं जाए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो कुछ टिप्स हैं आज आपके लिए कि हाउ टू ट्रेन योर डॉग डिसिप्लिन। तो आप जब बच्चा लेकर आते हैं, छोटा को बच्चा लेकर आ रहे हैं घर पर, उसको पॉटी ट्रेनिंग के लिए आपने रखना है। तो जब उसको इस तरह से हो जाए कि वो अपना खुद सेल्फ फीडिंग पे आता है, तो आप उसको फीडिंग कराने से 1 घंटा पहले बाहर घुमाइए और थोड़ा कि वो थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ा एक्टिव हो जाए और फीडिंग कराएं। फिर जब फीडिंग करा ले, तो फीडिंग कराने के 15 से 20 मिनट के बाद आप उसको बाहर ले जाइए, अंटिल के वो सुसु ना कर ले, पॉटी ना कर ले, आप उसको वापस ना लेकर आए। उसकी डेली की रूटीन बनाए वॉक की, एक बार दिन में, एक बार रात में। तो इस तरह से वो फेमिलियर हो जाएगा। फिर साथ ही साथ डॉग्स की जो स्मेलिंग सेंस होती है, सेंस ऑफ सेंट होती है, वो बाहर जाएगा, वहाँ बाहर की चीज़ें सुनेगा, तो एक फेमिलियरिटी, एक रेगुलरिटी, एक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो आपका घर डॉग घर में पॉटी नहीं करेगा, पॉटी के टाइम उसको बाहर ले जाइए करें। सेकेंड चीज़, आप छोटे बच्चों को जब लीश से बांधते हैं, चेन करते हैं, तो एक तो कि बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, उस सॉफ्टनेस की वजह से उनकी जो हाइंड लिम्ब्स होती हैं, हाइंड लेग्स जो होती हैं, पीछे की जो टांगें होती हैं, वो टेढ़ी होना स्टार्ट होती है। बहुत मोस्टली देखेंगे जो जानवर सारी जिंदगी बंधा रहा, उसकी पिछली की टांगें टेढ़ी होगी या क्रॉस होगी, तो ये नुकसान है। तो कोशिश करें छोटे बच्चों का आप टाई ना करें, चेन ना करें। सेकेंड चीज, अगर आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए डॉग चाहिए, तो उसको आप सोशल करने की जरूरत नहीं है। पहले तो ब्रीड वो लें जो सिक्योरिटी के लिए रेनाउंड हो, सिक्योरिटी के लिए हो, डॉबरमैन, रॉटवाइलर्स, साथ में आपके जर्मन शेपर्ड्स हैं, बहुत सारी और ब्रीड्स हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पसेस से रखी जाती है। एक तो इनबॉर्न होती है, जेनेटिक्स होती है। जैसे पिटबुल का जो आपका ओरिजिन है वो डॉग फाइटिंग के हिसाब से है। जब पिटबुल ब्रीड किया गया था उस वक्त बहुत फाइट सही जाती थी, तो ये फाइटिंग ही के एतबार से बनाया हुआ डॉग है। लेकिन बाद में इसको बैन किया गया, चीज़ों ने एनिमल राइट्स वालों ने इस पर कंडेम किया, तो हुआ। तो जर्मन शेपर्ड, डॉबरमैन, रॉटवाइलर्स सिक्योरिटी पर्पज़ के डॉग हैं। आप इनको इसे टेम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं इन अ मैनर के वो आपके घर की सिक्योरिटी चेक करेंगे। इनबॉर्न सिक्योर गार्ड्स हैं। डॉग को सोशलाइज करें, बाहर ले जाएं, लोगों से मिलाएं, ताकि आपका डॉग एक अच्छा, एक सोशल एनिमल बने। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए डॉग रखना चाहते हैं, तो उसको सिक्योरिटी पर्पज़ ही के लिए ट्रेन करें, चेन करें, उसको बाकायदा अकेला रखना है उसको। आप ट्रेनिंग के लिए तो डॉग्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके साथ आपको टॉर्चरस होना पड़ता है, थोड़ा सा विकेट टाइप का बिहेव करना पड़ता है, डॉग फिर आता है। तो ये चीज़ कि भाई मेरा डॉग बहुत अग्रेसिव है, तो
तो आप जब डॉग लेने जाते हैं तो पहले उसका टेम्परामेंट देखें। देखिए ब्रीड्स के टेम्परामेंट, आपको प्योर ब्रीड्स के टेम्परामेंट तो सारे स्टैंडर्ड्स के साथ हैं, लेकिन जो तो क्रॉस ब्रीड्स होती है उनके टेम्परामेंट का पता नहीं होता है, क्योंकि मिक्स टेम्परामेंट, मिक्स जेनेटिक्स, मिक्स टेम्परामेंट है, जेनेटिक्स में मिक्स है, तो ये प्रॉब्लम्स रहती है। तो इनकरेज तो हम यही करते हैं कि आप प्योर ब्रीड्स रखें, लेकिन अगर मिक्स ब्रीड्स भी रख रहे हैं, डॉग तो है आप, तो लवर है, कोई भी रख सकते हैं, तो उसकी ब्रॉटअप और ट्रेनिंग इस तरह से करें, इस लिहाज से करें कि वो एक आपकी डिज़ायरेबल और एक आइडियल पेट बने। तो कोशिश ये ना करें कि अपने डॉग्स को मारें, और बहुत सारे लोगों देखा है डंडियों से मार रहे हैं, धुतकारते हैं डॉग्स को, लेट कर देते हैं, उनको पाला नहीं जाता, ये बड़े मामला है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पेट ओन करें तो उसकी प्रॉपर ओनरशिप लें, उसको लव और अफेक्शन दें। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, बाकी कुछ शेयर्स चाहिए शेयर आप करें इसको पेज को, ताकि हमारा ग्रुप और ग्रो करे। तो बहुत शुक्रिया आप लोग का वीडियो को देखने का, इंशाल्लाह फिर किसी से मुलाकात करेंगे और एक न्यू टॉपिक से। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।